सब्सक्राइब करें सो हमें पर चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सो हमें पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे रेलवे में एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम क्या होता है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें एंड तक देखें। चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, बिना को टाइम वेस्ट किए वीडियो के अंदर चल गया, आज कुछ ना जान लेते हैं। तो दोस्तों रेलवे में ट्रेन चलाने के लिए कुछ नियम है जिन्हें सिस्टम ऑफ ट्रेन वर्किंग कहते हैं। वैसे तो चार पांच सिस्टम है लेकिन आजकल ट्रेन मेनली इन दो सिस्टम पर ही काम करती है। एक है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, दूसरा है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम। तो दोस्तों इन दोनों सिस्टम को ना हम डिटेल से जानते हैं। तो पहले को जानते हैं एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। तो दोस्तों दो रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी को ब्लॉक सेक्शन कहते हैं। मान लीजिए 100 किलोमीटर की दूरी को 10-10 किलोमीटर के 10 ब्लॉक सेक्शन में डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक ब्लॉक सेक्शन में एक बार में एक ही ट्रेन चलेंगी। अब फिर से मान लीजिए ए बी सी तीन ब्लॉक स्टेशन है, स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच में एक ब्लॉक सेक्शन हुआ, दूसरा ब्लॉक सेक्शन बी और सी के बीच में होगा। अब दोस्तों स्टेशन ए एक ट्रेन चलाता है, वह ट्रेन जब तक स्टेशन बी नहीं पहुंच जाएंगी तब तक स्टेशन ए दूसरी ट्रेन नहीं चला सकता। स्टेशन बी पहली ट्रेन उसके स्टेशन पर पूरी तरह से आ जाने पर पिछली स्टेशन ए को दूसरी ट्रेन भेजने के लिए लाइन क्लियर देगा, और ये लाइन क्लियर माउथ से नहीं की जाती, यानी मुँह जबानी नहीं की जाती। लाइन क्लियर को देने के लिए दोनों स्टेशन पर ब्लॉक डिवाइस लगाए जाते हैं और उन्हें आपस में इलेक्ट्रिक के सर्किट से जोड़ा जाता है। पूरे 10 किलोमीटर के स्टेशन में कॉपर केबल अर्थ से यानी जमीन से 1.2 मीटर की गहराई पर डाली जाती है। दोस्तों ये ब्लॉक डिवाइस इस प्रकार से काम करते हैं कि जब तक एक गाड़ी स्टेशन बी पर आ न जाए तब तक स्टेशन ए को दूसरी ट्रेन को लाइन क्लियर नहीं दिया जा सकता। दोस्तों यह एक तरह की इंटरलॉकिंग ही होती है। स्टेशन ए को जब लाइन क्लियर मिल जाता है तभी उसका एडवांस स्टार्टर सिग्नल आता है यानी ग्रीन होता है। दोस्तों ये डबल लाइन एसजी ब्लॉक्स डिवाइस हैं। ये एक स्टेशन पर दो लगते इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे। यदि ये स्टेशन बी पर लगे हैं तो इनमें से एक स्टेशन ए से जोड़ा जाएगा और दूसरा स्टेशन सी से जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में ट्रेन चलाई जाती है। आप जानते हैं ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि शुरुआत में बताया गया है कि एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में दो रेलवे स्टेशन के बीच में एक बार में एक ही ट्रेन चलाई जा सकती है। अब यदि आपको इसमें ज़्यादा ट्रेन चलानी है तो ब्लॉक सेक्शन आपको छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे। उसके लिए रेलवे स्टेशन और ज़्यादा नज़दीक कर लेंगे। मान लीजिए प्रत्येक 2 किलोमीटर पर स्टेशन बनाने पड़ेंगे, जो कि एक महंगा तरीका है क्योंकि फिर प्रत्येक स्टेशन पर स्टॉप चाहिए, जो कि काफ़ी महंगा तरीका है। तो इस काम के लिए सिग्नल डिपार्टमेंट ने एक टेक्नोलॉजी दी है जो है कि बिना स्टेशन बनाए 10 किलोमीटर के ब्लॉक सेक्शन को 4 ब्लॉक सेक्शन में बांट देंगे। हर 2 किलोमीटर पर एक सिग्नल लगाकर प्रत्येक सिग्नल ट्रैक सर्किट या एक्सल काउंटर सिस्टम से कंट्रोल होगा। तो दोस्तों इस सिस्टम को ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन कहते हैं और इस सिस्टम को ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन कहते हैं। दोस्तों इस सिस्टम में स्टेशन ए और बी के बीच एक बार में 4 ट्रेन चल सकती है। वही मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आदि बड़े यानी मेट्रो स्टेशन पर इसे ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम के सहारे 2 से 3 मिनट में एक लोकल ट्रेन छोड़ी जाती है। दोस्तों इस सिस्टम को समझने के लिए इस इमेज को देखिए। ऊपर के डायग्राम में सिग्नल की 5 रो दिख रही है, वह 5 डिफरेंट सिचुएशन है। यानी जैसे जैसे ट्रेन एक एक सिग्नल को क्रॉस करेंगी उसके पीछे वाले सिग्नल ग्रीन से रेड, फिर रेड से येल्लो, फिर येल्लो से डबल येल्लो और डबल येल्लो से ग्रीन होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। दोस्तों प्रत्येक 2 सिग्नल्स के बीच में जो सेक्शन है उसे ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन कहते हैं। दोस्तों येलो सिग्नल का मतलब केवल एक ब्लॉक सेक्शन खाली और ट्रेन धीमी गति से चलेंगी ये होता है। डबल येलो सिग्नल का मतलब है 2 ब्लॉक सेक्शन खाली, इसमें ट्रेन थोड़ा फास्ट चलेंगी। तीसरे यानी ग्रीन सिग्नल का मतलब है 3 ब्लॉक सेक्शन खाली है और इसमें ट्रेन अपनी फुल स्पीड से चलेगी। तो दोस्तों बस यही है ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन। इसी सिस्टम से ही मेट्रो ट्रेन भी ऑपरेट होती है। तो दोस्तों ये रही सारी जानकारी एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम की क्या है। आशा करता हूँ वीडियो की सारी जानकारी आपको समझ में आई हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही रेलवे से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपको अगले यानी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।